फतेहपुर यूपी। जिला संवाददाता रिजवान उद्दीन सर पत्रकारिता के पितामह शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी का मनाया गया जन्म दिवस। इनका उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले में आज समस्त राष्ट्र के पत्रकार शिरोमणि अमर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी की जयंती पर फतेहपुर प्रेस क्लब परिवार की जानिब से प्रेस क्लब अध्यक्ष नागेंद्र प्रताप सिंह की अगुवाई में जिले के पत्रकारों ने विद्यार्थी जी की मूर्ति पर सुबह 8 बजे माल्यार्पण कर मिष्ठान वितरण करते हुए गोवंश को केला आदि खिलाया। उसके बाद फतेहपुर प्रेस क्लब वृद्धाश्रम वृद्ध जनों के लिए भोज का आयोजन किया गया था, जिसमें जिला अध्यक्ष नरेंद्र प्रताप सिंह की अगुवाई में पत्रकारों ने भिटोरा रोड मवैया जमालपुर में स्थित वृद्धाश्रम पहुंचकर अपनों से ठुकराए गए वृद्ध जनों का कुशलक्षेम पूछने के बाद अपने हाथों से खाना परोसकर खिलाया। इस नेक कार्य में अध्यक्ष जी के सहयोग में मौजूद सभी पत्रकारों ने भरपूर सहयोग किया। अपनों से तिरस्कार का दुख झेल रहे वृद्ध जनों को जब पत्रकारों द्वारा प्यार स्नेह मिला तो उनका दर्द आंखों के रास्ते आंसुओं की शक्ल में बाहर निकल पड़ा। न जाने किस मिट्टी के बने होते हैं वो लोग जो अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में रहने पर मजबूर करते हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित कर समाज से बहिष्कार कर देना चाहिए। जो जन्म देने वाले माता पिता का न हो सका वह समाज का क्या होगा। वही इस मौके पर पत्रकार प्रेस क्लब की जानिब से देश के प्रधानमंत्री को एक प्रेस नोट जारी कर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी को भारत रत्न की उपाधि दिए जाने की मांग की गयी। अमित विद्यार्थी जी का जन्म दिवस है। फतेहपुर प्रेस क्लब की ओर से आज यहाँ पर माल्यार्पण का कार्यक्रम था। हम लोग सुबह से ही यहाँ पहुँच गए थे और उनकी मूर्ति पर हम लोगों ने माल्यार्पण कर देश में अमन चैन के लिए प्रार्थना की। विद्यार्थी जी स्वतंत्रता आंदोलन में अपना अहम भूमिका निभाई थी और देश की एकता और सद्भावना के लिए उन्होंने अपनी प्राण की बाजी भी लगा दी थी। आज हम लोग सभी पत्रकार साथी उनके आदर्शों पर चलने की प्रेरणा ले रहे हैं और कोशिश करते हैं कि देश में इसी तरह अमन चैन बना रहे।